मॉर्निंग मॉर्निंग इंग्लिश की बुक एंड कॉपीज ओपन कर लीजिए. पेज इंग्लिश निकाल ले रहे उठाओ भाई उठाओ. मैम हाँ बेटा पेज नंबर 40 14 क्या है डेट है मंडे. डे है मंडे. निकाली कॉपी. क्या हुआ परवरिश? इंग्लिश की बुक दिख नहीं रहा. तेरे तो निकाल ले. तो निकाली वो 40 है. 40 और 040 निकालो. इंग्लिश की कॉपी में लिख रही हूँ, मैथ की कॉपी में लिख रही हूँ. जो ऐसे नहीं है तो इंग्लिश की तुम्हारी पूरी ऐसे रहती है. इंग्लिश की तो दोनों तरफ मॉर्निंग करिए.
इंग्लिश जब कोई भी चीज हो ऊपर हो किसी भी चीज मतलब क्या बुक ऑन द डिवाइन हार्ट पे डबल क्लिक करिए आपको सबको दिखाई दे रहा है यस मैम कहाँ छोड़े हो आप मुझे जाते हैं तब आप कहाँ छोड़ा थे मतलब इसके आगे लिखो आर टी एच ई पहले लिख लो यार तब मैंने लिख रहा तब तो उसके बाद में कर लेना परवरिश आप भी बेटा भी लिखना नहीं है कुछ ऑन का यूज हमने कब किया था जब जैसे कि कोई चीज किसी के ऊपर है ठीक है अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैट है मैट के ऊपर खड़ा है तो गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द मैट यहाँ पे ऑन का यूज हुआ ना गर्ल कोई बताएगा
के ऊपर खड़ा है या खड़ी है वो ऑन द मैट, तो वहां पे भी ऑन का यूज होगा, ऊपर है समझ आ रहा है? आरव यस मैम। ऑन का यूज हम कब करते हैं? बारिश में। नहीं, जब कोई चीज के ऊपर होगी तब उसमें ऑन का यूज करते हैं। आराध्या ऑन का यूज कब करते हैं आप बताएंगी? आप जैसे द बैग इज ऑन द टेबल, टेबल अगर आप आए आपने टेबल के ऊपर बैग रखा तो वहां पे क्या बोलेंगे? द बैग इज ऑन द टेबल। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होगी तो उस सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? आरव ऑन। वेरी गुड। अब इनका यूज कहाँ करते हैं अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? इनका यूज कहाँ करते हैं बताएगा? देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है। अंडा। हाँ, जब जैसे कि आप फ्राई पैन में आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए आपके बाउल, मान लीजिए आपके बाउल में ढेर सारे पॉपकॉर्न है, ठीक है। अब ये देखिए ढेर सारे पॉपकॉर्न है ना, इसमें क्या बोलेंगे? द पॉपकॉर्न इज इन द बाउल। अंदर है ना, बाउल के अंदर है, ऊपर नहीं है। देखिए पॉपकॉर्न जो है वो बाउल के अंदर है कि ऊपर है? आरव अंदर, अंदर है, अंदर है, अंदर है। तो द पॉपकॉर्न इज इन द बाउल। तो कोई भी चीज किसी चीज के अंदर होगी तो किसका यूज करेंगे? इनका। अब यही मान लीजिए एक टेबल होती, ठीक है, तो अगर मुझे पूछना होता तो बाउल इज दैट टेबल, तो बाउल जो है वो टेबल के ऊपर है, तो हम क्या लिखते हैं उसमें? ऑन। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पॉपकॉर्न की जो कि बाउल के अंदर है, तो हमने क्या यूज किया? ये अंडर का यूज कहाँ करते हैं? किसी को पता है अंडर का यूज? बोर्ड पे देखिए अंडर का यूज कहाँ करते हैं? जब कोई चीज नीचे, अगर मान लीजिए टेबल है, टेबल के नीचे कैट छुपी हुई है, तो हम बोलेंगे द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। तो अंडर का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज नीचे। वेरी गुड। सो अगर मान लीजिए ये देखिए ये टेबल है, टेबल के नीचे एक उसी ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? द कैट हैज अंडर द टेबल। वेरी गुड, वेरी गुड। अंडर द टेबल द कैट इज। देखो अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप लोग अपनी बुक पे, जहाँ पे ऑन इन और अंडर लिखा हुआ है ऊपर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अंडर, यहाँ पे आप लोग ऑन के पास ऊपर लिखिए, इनके पास अंदर छोटा छोटा, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा कि ऑन का इस्तेमाल कब करना है,
कब करना है, अंडर का यूज कब? ऊपर ऊपर बड़ा कौन है ऊपर है मैट के ऊपर खड़े अभी बुक में आप बस ऐसे लिख लीजिए, इससे क्या आपको पता रहेगा कि ऑन का सब लोग इधर देखिए फिर एक कप लगे चार के अंदर सबने लिख लिया एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है उसमें ये गर्ल है ठीक है, ये किसके ऊपर मैट के ऊपर खड़ी है। तो देखिए सेंटेंस कौन पढ़ेगा पहला वाला is on a mat. He is on a mat. He is on a mat. हाँ आरुष ठीक है। अब ये बताइए नीलू जो है वो मैट के ऊपर खड़ी है, इसलिए उस सेंटेंस में क्या यूज हुआ? तो निधि ऑन का यूज क्यों हुआ? क्योंकि मैट के ऊपर खड़ी थी। वेरी गुड आरव, द बैग इज ऑन द टेबल। ऑन का यूज हुआ है क्योंकि बैग जो है वो टेबल के ऊपर है, सो द बैग इज ऑन द टेबल। अब नेक्स्ट, टॉफी आर इन द जार, इनका यूज क्यों हुआ है? क्योंकि जो टॉफीज है वो जार के अंदर है, तो वहां पे इन हुआ है, द टॉफीज आर इन द जार। अब नेक्स्ट सेंटेंस कौन? चुप
एल्बो पैन के अंदर है। तो एक मगना करो उसमें क्यों कचरा। ओके तो द एग्स आर इन द पैन, इनका यूज क्या है, कौन बताएगा? वंश आप बताओगे? मैम आप बताएगा क्योंकि वो पैन के अंदर है। वेरी गुड आराध्या, क्योंकि वो पैन के अंदर है, एग्स जो है वो पैन के अंदर है। वेरी गुड आराध्या। परवरिश आप इनका यूज क्यों हुआ है? सर मैं बोल रही हूँ इनका यूज क्यों हुआ है परवरिश? द एग्स आर इन द पैन, एग्स जो है वो पैन के अंदर है। वेरी गुड परवरिश, बताएगा समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट है द कैट्स आर अंडर द टेबल, जो कैट्स है टेबल के तो अंडर का यूज हुआ है। कैट्स जो है टेबल के नीचे है, उसीलिए अंडर का यूज हुआ है, टेबल के नीचे है। वेरी गुड, तो द कैट्स आर अंडर द टेबल। अब द बैट इज अंडर द टेबल, क्या होगा? टेबल अब इस पे आ जाओ। बैग टेबल के ऊपर था, तो हमने किसका यूज किया? द बैग ऑन द टेबल, ऑन का यूज किया। अब यहाँ पे बैग जो है वो टेबल के नीचे है, तो हम किसका यूज करेंगे? तो आपको बस छोटी सी चीज याद रखनी है। आप कैसे याद रखेंगे? कोई भी चीज ऊपर हो तो उसमें ऑन लगेगा, नीचे हो तो अंडर लगेगा, अंदर हो तो इन लगेगा। ठीक है, बस आपको ये छोटी सी चीज याद रखनी है कि किसी सेंटेंस में अगर आपको ऑन, इन और अंडर फिल करना है या लिखना है, तो उसमें आप ऑन का यूज तब करेंगे जब वो चीज उसके ऊपर हो, इन का यूज तब करेंगे जब वो चीज उसके अंदर हो, अंडर का यूज तब करेंगे जब उसके नीचे हो। बस आप जो तो आप ऑन, इन और अंडर का यूज किसी भी सेंटेंस में कर लेंगे। ठीक है, अब आप अपनी कॉपीज ओपन करिए, डेट डालिए। निकालो डेट डालिए, आप लिखो कैसा ऑन में क्या है ऊपर वहाँ देखो, अरे इसके बुक में अब लिखो यूज ये लिखो जी जाता है लो देखिए यू
मेन होता है एग्जाम में। 2021 Yes. Yes, use इतना बड़ा क्यों दिख रहा है ओ ना इसी में तुम एक घंटा पाया करो ठीक है इसमें the bird is इसके ऊपर लिखो इसके इतना सब बहुत कर दोगे बेटा तो कहाँ तक ले लकड़ी बना वॉटर जो है जग के अंदर है तो इसमें क्या यूज होगा द वॉटर इज कहा On. All is dash the tree. और इधर से लिखो दीवार D E R E R अब आते हैं
नीचे नीचे लिख दो ट्री बनेगा ना ट्री ट्री है ना अभी हाँ तुम लिखो द टी एच ई डबल अपना वर्क अभी शो करेंगे जल्दी से जिसका कंप्लीट हो जाएगा वो मुझे बताएगा अब हम कल करेंगे इसी अब आपकी स्क्रीन दिखाई हो गया हो गया है तुम ऐसे बैठ मन करता है मैम देखिए मैम मेरे बाहर कैमरा चालू नहीं हो रहा है पता नहीं हो गया इसमें जा यहां लिख दो मैम देखिए ये कैमरा नहीं चालू हो रहा है मेरी मैम देखिए क्या है तनु ने भी कर लिया सिया ने भी कर लिया वेरी गुड तनु वेरी गुड सिया और टीचर्स शशांक आप भी शो करिए अपनी कितना बड़ा क्या मतलब ऐसे लाइन खींचने की इतने में बहुत है मैम देखिए वेरी गुड शशांक प्रिंसी मैंने देख लिया आपका वर्क वेरी गुड ठीक है बेटा अच्छा आयुष आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है बाकी आयुष कुमार वंश कुमार जग लिखना पहले जे जी जग अब हम कल कंटिन्यू करेंगे और अंडर का सेंटेंस डबल ई अभी क्लास फिनिश करने का टाइम है मैंने देख लिया वेरी गुड ओके बाय क्लास बाय मैम बाय मैम